डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वंस अगेन, सुस्वागतम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे एनाटॉमी ऑफ टीथ। अब एनाटॉमी ऑफ फिजियोलॉजी दो की बात होती है, तो आज पहले बात करते हैं एनाटॉमी ऑफ टीथ, दांत की जो हमारी एनाटॉमी होती है। एनाटॉमी का मतलब होता है उसका स्ट्रक्चरल डिजाइन, स्ट्रक्चरल कॉन्फिगरेशन, और फिजियोलॉजी का मतलब होता है जस्ट अपोजिट, उसका फंक्शन। तो एनाटॉमी की बात करते हैं, तो एनाटॉमी ये हमारा टीथ है। टीथ पोर्शन में सबसे पहले बात करते हैं हेड की, उसके बाद रूट की, देन इनेमल, देन आपका पल्प कैविटी, ये अलग अलग चीज होती है। तो इसमें जो फ्रेंड्स बात करते हैं हम एनाटॉमी ऑफ टीथ की, तो टीथ में सबसे ऊपर जो पार्ट होता है हमारा इनेमल, इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इनेमल। मेरे बच्चों, इनेमल का काम क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनेमल? इनेमल मतलब ये होता है कि जो हमारा दांत होता है, जो हमारा टीथ होता है, उसमें जो सुपरफिशियली जस्ट ऊपर का जो पोर्शन होता है, ये इस पोर्शन को बोलते हैं इनेमल, जिसको बोलते हैं कवरिंग ऑफ टीथ। इसको एक नाम से और जाना जाता है, ये हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ द बॉडी, बॉडी का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल होता है। अब फ्रेंड्स, एक दिमाग में क्वेश्चन आता है, इसमें क्वेश्चन क्या आता है कि सर, सबसे हार्डेस्ट मटेरियल तो हड्डी होता है। भैया, ये हड्डी से भी ज्यादा हार्डेस्ट होता है। अब हड्डी से ज्यादा हार्डेस्ट क्यों होता है भाई? हड्डी से ज्यादा हार्डेस्ट तभी तो हड्डी को चबा जाता है, सिंपल सा फंडा है। तो इनेमल इज हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ द बॉडी, जो कि हमारे दांत की कवरिंग के ऊपर होता है। देन इनेमल के बाद आपका आता है पल्प कैविटी, देन आपका आता है नेक्स्ट ब्लड कैपिलरी, और उसके बाद रूट की बात करते हैं। रूट हमारा एकदम धंसा हुआ होता है, जो हमारे मसूड़े होते हैं, जो हमारे मसल्स होते हैं, उसमें एकदम इंजर्ड किया होता है। तो ये बात हो गई एनाटॉमी ऑफ टीथ। इसके बाद हम फिजियोलॉजी की बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम फिजियोलॉजी ऑफ टीथ की बात करेंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट।